पार्वो एक बहुत ही जानलेवा और संक्रामक बीमारी है जिसे बहुत सारे अनवैक्सीनेटेड पपीज की जान जाती है। सर्दियों के मौसम में जब कुत्ते पपीज को जन्म देते हैं तब पार्वो वायरस इन पपीज में बहुत जल्द फैलता है। सड़क में पार्वो वायरस से बचना पपीज के लिए नामुमकिन है, लेकिन वेट की मदद से और अच्छी देखभाल के साथ पपीज को इससे बचाना संभव है। पार्वो पपीज के इंटेस्टिनल ट्रैक पे हमला करता है। ये इनके पूप से फैलता है और बहुत ही संक्रामक होता है। अपने पपीज को पार्वो से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो पहले से ही बीमार है, वो बहुत कमजोर है, या उन्हें जन्म एक अनवैक्सीनेटेड माँ ने दिया है, तो वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी उन्हें पार्वो हो सकता है। क्योंकि पार्वो बहुत जल्दी फैलता है, जब तक कि आपके पपी को सारे टीके ना लग जाए आप उन्हें ज्यादा तादादी वाले जगहों से दूर रखिए, जैसे कि सड़कें जहाँ बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हो, डॉग होटल्स या डॉग पार्क्स। आप अपने पपी को सिर्फ वैक्सीनेटेड डॉग्स के साथ ही खेलने दें। लेकिन अगर आपके पपी को पार्वो हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? पार्वो के पहले कुछ लक्षण हैं: बहुत ज्यादा सोना, डिप्रेशन और खाना न खाना। इसके साथ साथ इन्हें ये दो चीजें होती हैं: डायरिया, जिसमें कई बार खून होता है और बहुत बदबूदार होता है, और उल्टियां। जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, उन्हें बुखार, पेट में दर्द और डिहाइड्रेशन होता है। डायरिया और उल्टियां होने की वजह से उनके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे उनकी जान एक या दो दिन में ही जा सकती है। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप अपने पपी को सीधे वेट के पास लेके जाएं। अगर आपका पपी पार्वो पॉजिटिव है तो आपके वेट रेकमेंड करेंगे कि उसे IV द्वारा फ्लूइड्स दिए जाए, जिससे वो हाइड्रेटेड रहे और उनके ग्लूकोज लेवल्स बने रहे। बेहतर होगा कि उन्हें फ्लूइड्स लगातार 24 से 48 घंटों तक दिए जाएं। अगर आप अपने पपी को एडमिट नहीं कर सकते तो आपको उन्हें दिन में 2 बार फ्लूइड्स के लिए ले जाना जरूरी है। डेक्स्ट्रोज और सलाइन के साथ साथ उन्हें मेट्रोनिडाजोल भी दिया जाएगा, जिससे वो वायरस से लड़ सके। इसके अलावा आप अपने पपी को दूसरे पपी से दूर रखिए, जिससे इन्फेक्शन उन तक ना पहुंचे। आपके कपड़े, डॉग्स की बेडिंग और कचरे को भी दूसरे पपी से दूर रखिए। आप गाउन या शू कवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। आपके पपी ने जो भी चीज छुई हो उसे फेंक दे या अच्छी तरह ब्लीच से धो के सुखा ले। अपने पपी को नहलाने के बजाय उन्हें नियमित तौर पे कपड़े से साफ करिए। सब सतहों को ब्लीच से साफ करिए, क्योंकि सिर्फ ब्लीच ही पार्वो वायरस को नष्ट कर सकता है। अगर आपके पपी को पार्वो है तो उसके रहने की जगह पर 6 महीने तक किसी भी अनवैक्सीनेटेड पपी को जाने ना दें। और अपने हाथ धोना मत भूलिए। जब आपका पपी स्टेबल हो जाए आप उन्हें IV की जगह सबक्यूटेनियस फ्लूइड्स दे सकते हैं। एक बार वो खाना खाने लगे आप उन्हें लिक्विड डाइट और बिना फ्लेवर के ORS दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका पपी बेहतर होता जाए आप उन्हें सॉलिड फूड देना शुरू कर दीजिए। जब वो ठीक हो जाए तब आप उन्हें उनका रेगुलर खाना दे सकते हैं। पार्वो जानलेवा जरूर है, लेकिन इसे बचा जा सकता है। अपने पपीज और डॉग्स को वैक्सीनेट करिए। पपीज को अनवैक्सीनेटेड डॉग से मिलने ना दें और बेसहारा कुत्तों की नसबंदी करवाएं और वैक्सीनेट करें। ये जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें।